कस्टमर नहीं है आज क्यों कस्टमर बहुत कम थी आते हैं आज तो बारिश भी शुरू है भाई बारिश हुई है कस्टमर नहीं है आजकल तो काम बंद नहीं है देखो कितना मच्छी बचा हुआ है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात कैसे भाई उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हो गए और जिधर भी हो खुश रहो और आज का दिन जो है दुबई में बारिश शुरू हुई और हमारे साथ एक दोस्त भी आया है जिसका नाम है फहीम पठान और आज हम जा रहे हैं उधर फिश मार्केट दुबई में उधर अमरिया के पीछे तकरीबन 1-2-3 किलोमीटर बस गए हम पैदल जा रहे हैं सो बारिश भी शुरू हुई है तो हमने सोचा अगर इसने कुछ खर्चा मर्चा किया तो भी ठीक है क्योंकि मौसम आजकल दुबई में जो है वो बहुत ठंडा है तो हमारे साथ रहिए उधर लोगों से पूछना भी है कि भाई आजकल आपका काम कैसे चल रहा है तो वीडियो आखिर तक देखना है हमारे साथ रहिए और फिश मार्केट जो है ये चार हिस्सों पे तकसीम है तो एक साइड पे फिश काटते हैं एक साइड फिश बेचते हैं दूसरी साइड पे सब्जी है तीसरी साइड पे गोल्ड्स और वगैरह सब कुछ है आप लोगों को मिल सकता है तो एक दफ़ा ज़रूर आ जाइए और आखिरकार आप लोग देख सकते हो कि हम अंदर आ गए हैं पीछे देख बहुत ज़्यादा रश है इधर बहुत शोर भी है तो मेरा आवाज़ आप लोगों को मेरे ख्याल से मेरा आवाज़ जो है आप लोगों को सही नहीं सुनेगा तो हमारे साथ रहिए अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे इधर लोग मछलियाँ कैसे बेचते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है ठीक है आप ठीक हो अच्छे हो ठीक है ठीक है अच्छा चाय खाना नहीं नहीं शुक्रिया थैंक यू खाओ और मछली कैसा है भाई अल्हम्दुलिल्लाह और कारोबार कैसा है आपका कारोबार भी अच्छा है अच्छा सुप्रीम सिबा सलाम छली हमूद अच्छा मछली कैसा है ताज़ा है क्या नहीं भाई फ्रेश है फ्रेश बिल्कुल अच्छा वो एक दोस्त से मिला वो बहुत बिजी था अभी दूसरा दोस्त से सो भाई आपका क्या नाम है काशिफ है नाम अच्छा ठीक है काशिफ सो काम शाम कैसे चल रहा है आज काम शाम अल्लाह का शुक्र है कस्टमर नहीं है आज कस्टमर बहुत कम थी आते हैं आज तो बारिश भी शुरू है भाई बारिश हुई है कस्टमर नहीं है आजकल तो नहीं है देखो कितना मच्छी बचा हुआ है देखो मछली तो है पर आजकल दुबई का मौसम जो है वो भी बहुत ठंडा है तो ठंडा मौसम में कस्टमर फिर भी नहीं आता मेरे ख्याल से कस्टमर बहुत ज़्यादा आएगा कस्टमर नहीं आएगा क्यों कस्टमर नहीं आता इतना फिश नहीं खाता ना गोश्त खाता भी इतना रश फिर क्यों है किसने घूमने वाला आता है घूमने वाला पूरा अच्छा मछली कैसा है मछली बहुत अच्छा है फ्रेश है फ्रेश वाले थोड़ा दिखा सकते हैं हाँ दिखा सकते हैं अच्छा ये देखो ये साफी है साफी साफी ये किस मुल्क है ये नहीं किस कंट्री का है ये दुबई का है फर्स्ट वाला दुबई अच्छा पाकिस्तानी मिलेगा पाकिस्तानी है वो पड़ा हुआ है ये पाकिस्तान के हाँ भाई अगर पाकिस्तान वाला पठान भाई अगर आएगा तो ये खाएगा अगर किसी पाकिस्तानी मछली चाहिए किसी को तो ये देख इधर ताज़ा फ्रेश मिलेगा और नाम काशिफ नाम है काशिफ नाम है 365 दुकान नंबर है दुकान का जो नंबर है वो 365 है अच्छा वो मछली जो है इसका नाम क्या है इसका नाम लॉबस्टर क्या लॉबस्टर अच्छा तो ये क्या मछली यार पहली दफा मैंने देखा मुस्लिम भी कहते हैं कि नहीं ये अंग्रेज वगैरह अंग्रेज कुछ अंग्रेज अच्छा ठीक है हाँ मैंने सोचा कि ये मुस्लिम भी कहते हैं तो इसी वजह से आपसे पूछा मुस्लिम भी वगैरह खा लेते हैं ये सब जो इधर तो ये मुस्लिम के लिए है ना मुस्लिम ना ये चीज़ ये मुस्लिम खा सकता है और वो भी खा सकता है ये नहीं कर सकते ओके ओके थैंक यू शुक्रिया सो आप लोगों ने देखा कि इधर मुस्लिम के लिए नॉन मुस्लिम के लिए और जो भी है तो सबको मतलब अलग अलग मछली इसको खाने का जो है वो मिल सकता है
तो बहुत बड़ा फिश मार्केट है यार, इधर आप लोगों को सब कुछ मिल सकता है। अभी हम एक दोस्त के साथ खड़े हैं जिसका नाम, क्या नाम है आपका? इजिश। अच्छा, सो किधर से हो? अब इंडिया वाले। इंडिया, अच्छा। तो काम शाम कैसा चल रहा है? अच्छा होने चाहिए। मछली कैसा है? फ्रेश मिलता है? फ्रेश मिलता है। सो आजकल तो दुबई का मौसम जो है वो बहुत ठंडा है, तो कस्टमर भी बहुत ज़्यादा आएगा, सेल भी ज़्यादा होगा। नहीं, आज बहुत कमती है, ठंडा में आदमी लोग नहीं आते। नहीं यार, अभी तो बारिश भी स्टार्ट हुआ बाहर, अभी थोड़ा कमती आते हैं। अच्छा, आजकल थोड़ा कम भी है। सो कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स? आप इसका चैनल में सब आदमी सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस द वीडियो। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। हेलो, नहीं प्रॉब्लम तो नहीं, पहले पूछना चाहिए कि भाई आपके साथ वीडियो बनाओ कि नहीं बनाओ। सो अभी भाई ने जो मछली पकड़ाई, ये सू का मछली आप देख सकते हो भाई। सू का इसका प्राइस कितना है, मतलब के जी? 20 दिरहम। के जी के हिसाब से या वैसे? के जी का। अच्छा, हाँ। सो इसका नाम क्या है? कट्टा। कट्टा, हाँ। पहली दफा यार देखा इस मछली। सो लोग आजकल आपका सेल कैसा चल रहा है भाई? नॉर्मल। नहीं नॉर्मल नहीं, आजकल आपका सेल अच्छा, क्योंकि मौसम ठंडा है और काम शाम तो मौसम तो इतना में चल रहा है। अल्लाह करे कि आपके काम में और भी बरकत आ जाए। सो आप कौन से मुल्क से हो, किस कंट्री से हो? कंट्री मुल्क का नाम क्या है? अस्कर मुल्तान। पाकिस्तानी हो फिर तो यार आपने। अपना भाई है, कराची है। अच्छा, वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, फिर बाद में देखना, ठीक है? मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड नेवर मिस द बेल आइकन। सो थैंक यू। तो इधर जो है, इधर सूखा मछली मिलेगा आपको। सो वो भाई जो था पाकिस्तानी था, बहुत खुश अखलाक था। और ये था फिश मार्केट, अभी हम जा रहे हैं उस साइड पे आप लोगों को दिखाने। इधर सब्जी मंडी भी है जो कि सब कुछ सब्जी मिलता है बहुत सस्ते रेट में। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम इधर आ गए सब्जी मंडी जो है, अभी हम इधर आ गए। सो आपने देखा फिश मार्केट भी, सो अभी हम आप लोगों को सब्जी मंडी थोड़ा दिखाएंगे। ये भाई नाराज हुआ तो अभी कुछ कहो भाई, कैसा है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका नाम क्या है? असद नाम है। असद किधर से हो? मैं पाकिस्तान। पाकिस्तान, फिर तो यार आपने मल से हो फिर भी। और काम शाम से कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे। अच्छा, फ्रूट कैसा है भाई, कितने प्राइस? मतलब मैंगो अलग अलग रेट है? मैंगो नहीं यार, मैंने इधर अभी पाकिस्तान का सीज़न नहीं है, वो रमज़ान में आएगा इंशाल्लाह। हाँ ये भाई बिल्कुल। और सब्जी किस मुल्क से? पाकिस्तानी है। सब्जी हर मुल्क का आता है, हमारे पास तो सिर्फ फ्रूट है, वैसे सब्जी हर मुल्क से आते हैं, पाकिस्तान। अच्छा, हर मुल्क का सब्जी है। ठीक है ठीक है, तो आजकल तो सेल भी अच्छा होगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे। अच्छा ठीक है, फिर बात किसी यार। अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स का? बहुत शुक्रिया बस। ओके ओके, थैंक यू, शुक्रिया। अभी हम इधर मीट पोल्ट्री में आ गए हैं, इधर आप लोगों को गोश्त मिलेगा, वो भी पतला लोबला
اور جس قسم کا بھی گوشت ہو تو آپ لوگوں کو ادھر ملے گا اسپیشل پاکستانی مٹن. تو پیچھے جو تھا ادھر آپ لوگوں کو گوشت ملے گا ہر قسم کی گوشت. پر میں نے جو شوٹ تھا وہ میں نے تھوڑا مطلب کم شوٹ لیا ادھر. سو فائنلی یہ تھا آج کا دن. ادھر جو تین چار جگہ تھے وہ آپ کو ہم نے دکھائے. ادھر ایک جگہ اور بھی ہے میرے پیچھے, یہ ہے گارڈن. ادھر جو فیورٹ ہے مطلب پرندے جو ہے وہ ادھر ہے. تو ہم اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں بٹ یہ لوگ ٹندر ہم مانگتا ہے. پر میرا جو دوست ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس ابھی سو سے کم نہیں مطلب چینج نہیں ہے, تو اسی وجہ سے یہ نہیں جاتا ہے. سو آ جاؤ اگر کچھ کہنا ہے. سو کیا کہو گے فہیم بھائی؟ اندر چلتے ہیں. اندر چھوڑو, اندر چھوڑو دے گا. بٹ آخر میں کیا میسج دینا ہے؟ آپ نے تو ویڈیو میں کچھ بھی باتیں نہیں کیا یار, بس ویڈیو لائک کرو اور چینل سبسکرائب کرو اور گھنٹی کا بیل کا بٹن ضرور دبانا. اچھا سو آج سو یہ تو آج کا ویڈیو, ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.